हमने तो अपनी आंखों से ऐसा लॉस देखा नहीं। आप देख सकते हो सामने ही रोड पे लोग पागल हैं उनके उनके प्यार में, उनके उनका टैलेंट, उनकी जो मूवीज़ हैं चांदनी और उनके गाने जो हैं, हम लोग तो म्यूजिशियंस हैं तो उनके गानों से रिलेट करते हैं। बिजली गिरानी और मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ, सो ऐसा लगता है कि अपना फैमिली मेंबर कोई चला गया है। आपने कोई गाना दिया सर को, कोई ऐसा कोई अभी तक आपकी? नहीं, बोनी जी के साथ हम लोग कनेक्टेड रहे हैं तो गाना तो हमें मौका नहीं मिला बिकॉज बहुत सिंपल फिल्म में करते हैं। इंडस्ट्री को कितना बड़ा लॉस हुआ है? बहुत बहुत बड़ा लॉस है। और मुझे, मैं उनको जानती हूँ जब वो फिल्म इंडस्ट्री हिंदी में नहीं आई थी, तमिल में मैंने उनके साथ पिक्चर की। श्रीदेवी जैसी एक्टर इंडस्ट्री को फिर मिल सकती? नहीं मिल सकती। शी वॉज ए वेरी गुड आर्टिस्ट, एक्सेलेंट डांसर एंड सुपर्ब सुपर्ब पर्सन। कितना बड़ा लॉस हुआ इंडस्ट्री को बात करें आज, इसके क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा लॉस। कितना बड़ा लॉस हुआ मार्केट में? क्षति हुई है बॉलीवुड को अगर बात करें इसके बारे? बॉलीवुड ने पूरे हिंदुस्तान को, और सबसे बड़ा हमारे ऋषि कपूर जी ने बहुत कुछ खोया है, और हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े, इट इज नॉट ओनली बॉलीवुड, पैदा ही नहीं होगी दोबारा, इम्पॉसिबल। और हिंदुस्तान की कलाकारी नॉट ओनली बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, एवरीवेयर। सारी इंडस्ट्री के साथ साथ मैं भी, मुझे भी बहुत दुख हुआ इस बात का। श्री जी कमाल की एक्ट्रेस थी, बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। आप देखिए कितने चाहने वाले उनके यहाँ पे हैं। मैं, मेरा पूरा परिवार को मेरी तरफ से कंडोलेंस है सबको, बच्चियों को भी, बोनी साहब को भी। मैं उनसे अभी मिल नहीं पाया क्योंकि बहुत लोग थे वहाँ पे, और मैं श्री जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूँगा। गॉड ब्लेस सर। बस ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। बस इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? बहुत ही दुख की घड़ी है, बहुत दुख की घड़ी है। बस सर कितना बड़ा क्षति हुई इंडस्ट्री को, क्या कहना चाहेंगे? बहुत 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 शॉकिंग न्यूज़ है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है इंडस्ट्री के लिए। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स इज नो लॉन्गर देयर, एंड आई जस्ट होप वेरेवर शी इज, लेट हर सोल रेस्ट इन पीस। सर ऐसा स्टार कोई हो सकता है क्या लगता है आपको? करोड़ों में कोई एक ऐसा बनता है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। यह इरिपेरेबल लॉस है, क्योंकि क्या है कि आने वाली कई और अच्छी फिल्में करती जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान जो है डिप्राइव हो गया है, इसमें इससे बड़ा लॉस तो कुछ हो नहीं सकता। सर कोई मूवी आपके आपके लिए बनाई उन्होंने? नहीं, मेरे लिए नहीं, मैंने काम नहीं किया उनके साथ। ये मतलब मेरा दुर्भाग्य था कि मैं कर नहीं पाया उनसे। क्या इंडस्ट्री को श्रीदेवी जैसी हीरोइन वापस मिल सकती है? नहीं मिल सकती। बहुत 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 बड़ा लॉस है, और नॉट इवन इंडस्ट्री को, मतलब हम सब आर्टिस्टों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस, और पूरे हिंदुस्तान के लिए। एक ऐसा कलाकार, एक ऐसी कलाकार जिसने एक कमाल कमाल का एक अपना योगदान दिया इंडस्ट्री को, आज वो अचानक इस तरह से बिल्कुल हम सबको एकदम रोते हुए छोड़ के। हरी जी क्या कहना चाहेंगे, इंडस्ट्री को कितना बड़ा झटका लगाया? ये शब्दों में बोलने वाली बात नहीं है, बस मैं एक पर्सनल अपना मैं बता सकता हूँ कि मेरे लिए कितना बड़ा लॉस है। शी वॉज़ लाइक ए मदर, सिस्टर, और एक दोस्त की तरह थे। तो मैं लाइफ में जो भी मेरा ग्रोथ था, हर वक्त हर सीढ़ी पे वो मेरे साथ थे। मैं करीब ऐसे फिल्में उनके साथ किया जहाँ मैं उनका बेटे का रोल किया जो 6-7 साल का था। तो एक ऐसी यादें हैं, ऐसा एक्सपीरियंस है। वो एक फिल्म थी तेलुगु में, मुद्दुल कोडुकु, मतलब मेरा प्यारा सा बेटा, फिल्म का नाम ही ये था। और प्रेम तपस्या है, प्रेमाभिषेकम, कोंडवेडिसिमहम, नादेशम, त्रिशूलम, ऐसे बहुत सारे साउथ के तेलुगु तमिल है फिल्में हैं, और हिंदी में आखिरी में आर्मी। कितना बड़ा लॉस हुआ इंडस्ट्री को? ये तो कोई बताने की बात ही नहीं है, क्योंकि श्रीदेवी जी, मैं भी काफ़ी शो में हमारे वो आई हैं, हमसे काफ़ी बार बातचीत हुई, काफ़ी प्यार देती थी हर एक आर्टिस्ट को, हर एक बंदे को। मतलब इंडस्ट्री की सबसे प्यारी एक्ट्रेस बोल सकते हैं जो हमने खोई है। इंडस्ट्री को श्रीदेवी दोबारा कोई मिल सकती है? अगले 16 साल तक नहीं मिल सकती, नहीं, क्योंकि श्रीदेवी श्रीदेवी थी और उनका वो कोई तोड़ नहीं है जिंदगी। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा क्षति हुई इंडस्ट्री को? देखिए मैं, बहुत अफसोस है, मतलब हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा हादसा हो जाएगा। और श्रीदेवी जी हमारी इंडस्ट्री नहीं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सुपरस्टार थी, जो आज हम सबको छोड़ के चली गई। क्या हमें श्रीदेवी जैसी दूसरी कोई एक्टर मिल सकती है? श्रीदेवी जैसी दूसरी कोई नहीं बन सकती, क्योंकि श्रीदेवी जी को हम सब बहुत मिस करेंगे। इंडस्ट्री को कितना लॉस हुआ उनके जाने से? बहुत बड़ा लॉस हुआ, और हमने उनके साथ वर्ल्ड टूर किया, उनके लिए गाया, उनको हम हमेशा मिस करेंगे।
एंड वो हमारे दिल में हमेशा रहेगी। इसकी इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, बहुत बड़ी क्षति है। सबसे बड़ी स्टार थी हिंदुस्तान की और 50 बरस से काम कर रही थी। आज तक मतलब मुझे नहीं लगता, याद मुझे नहीं पड़ता कि किसी भी हीरोइन की इतनी बड़ी इनिंग रही, वो शुरू से लेकर आखिर तक लीड कर रही थी। बहुत बड़ा बॉस हुआ है, लॉस हुआ है बॉलीवुड को, बहुत बड़ा लॉस हुआ है बॉलीवुड को। और पता नहीं ऐसा लगता है 3 दिन से कुछ ज़िंदगी में था ही नहीं, आज एक एंड लगेगा। बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा लॉस है। आपने दो सारी फिल्मों में एज ए फैसला दिया है जज की तरह, कौन सी ऐसी मूवी है जो आपके आज दिमाग में आ रही है कि श्रीदेवी की कोई बात है? श्रीदेवी जी की हर फिल्म कमाल थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा फ़ैन मैं बना हिम्मत वाला से और आज तक हूँ, जबकि इतने साल हो गए हिम्मत वाले। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है एंड इट्स अ बिग हस्ती दैट्स गॉन अवे। सर जी कितना बड़ा लॉस हुआ है? बहुत बड़ा मेरे लिए। कोई गाना है सर आपके लिए जो उसका गाना जो बताना चाहेंगे अभी? हम खड़े हैं सेलिब्रेशन क्लब के बाहर, जहां अनगिनत फैंस जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। एक बड़ा सा मजमा भीड़ का नजर आ रहा है, जहां हम देख भी नहीं सकते कि कितने लोग हैं। एक अनगिनत अमाउंट के लोग खड़े हैं यहां पे। वैसे ही उन कुछ फैंस में हमें एक ये कुछ औरतें मिली हैं जो उनके अंतिम दर्शन का इंतजार करते करते यहाँ तक काफी दूर से पहुँच गई है। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या कहना है उनका इस बारे में। तो मैम बताइए कहाँ से आई हैं आप और कितने देर से खड़ी हैं यहाँ इंतजार? हम लोग आके 1.5 घंटा हो गया, 11 बजे से खड़े। आप लोगों को अंतिम दर्शन करने का मौका मिला? हाँ, मिला। ओके। कहते हैं फिल्मों का कोई धर्म नहीं होता, तो आप लोग नोज पीस लगा के इतनी गर्मी में क्या कहना चाहेंगी? किसी भी हद तक जा सकती हैं? कुछ भी रहना मगर हमको अच्छा देखने का है, मिलेगा तो हम लोग को देखने को तो देखने मिलता है। इंसान कभी भी बेपर्दा होता है लेकिन आखिरी सूरत मिलती क्या इंसान को? नहीं मिलता। चांदनी पिक्चर देख के इतना ये दिख रहा है। खुदा गवाह में श्रीदेवी ने मुस्लिम का रोल किया था, क्या कहना चाहेंगे उनके किरदार के बारे में? वो तो सबसे बढ़िया किरदार था ना उनका मुसलमान के तौर। हमारे साथ है एक ट्रांसजेंडर, आइए उनसे भी पूछते हैं क्या कहना है उनका। हमारा எங்க ஊர்ல மெட்ராஸ் நாங்க தமிழ்நாடு, தமிழ்நாட்டில் வந்து சிறுஜா அம்மா வந்து நல்ல பேர் எடுத்தாங்க. அவங்க 4 வயசுலேருந்து படம் நடித்தாங்க, 4 வயசுலேருந்து படம் எடுத்தாங்க. ஆனால் சிறுஜா அம்மா மேலே நாங்கள் ரொம்ப உயிராக இருப்போம். எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நாங்கள் என்ன சிறுஜா அம்மா ரொம்ப உயிர், நாங்கள் அவங்கள தான் இப்போ பார்க்க வந்திருக்கிறோம். நாங்கள் எனக்கு 4 நாளாக சாப்பிடாம நாங்கள் அழுதுகிட்டு கொண்டுட்டு இருக்கிறோம். அம்மா அம்மா அவங்களுடைய படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அமரா காவமே நாம் தமிழ்நாடுமே சிறுஜா அம்மா பைதாவோம், தமிழ்நாடுமே அச்சா நாம் கமாயா, பம்பாய் மே ஆயா பம்பாய் மே பி அச்சா பிக்சர் மே அச்சா நாம் ஆயா, உஸ்கோ ஐசா ஹோகா யா நாம்லுக்கு போஹத் டென்ஷன் ஹோகா, சாத் தின் சம் ரோகே ரஹதே। हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, हम लोग अच्छा देते हैं, हम लोग पैसा देते हैं, हम लोग आते दुआ लेते हैं। उसका उसका बच्चा पहला हुआ ना, वो टाइम हम गए, हम लोग अच्छा किया। गाने की अगर बात करते हैं कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल पे हमेशा? हमारा दिल से हमसे ना नाम हिंदी गाना नागिनिया। सर बताइए कहाँ से आए? मैं सांता गुर से आया हूँ। अच्छा, आपको लगता है ये फूल आप चांदनी जी तक पहुँचे? नहीं पहुँच पाया, गेट भी बंद किया। हम लोग 11 बजे से इधर खड़े हैं लेकिन चांस नहीं मिला जाने के लिए। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन हमारा साउथ का हीरो नहीं है नंबर वन, जो अपना चांदनी है वो चले गए अभी, बाकी सब ये दुनिया बस। इसके लिए हम बहुत ये उसको व्हाइट इतना पसंद था।